हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देशों दुनिया जुड़ी कुछ नई टेक अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर मेरी जो आखिरी वीडियो आई थी वो लगभग आज से 3 महीने पहले आई थी। दोस्तों उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर वीडियो कंसिस्टेंट रूप से देखने को मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर जो पहली अपडेट है वो है यहाँ पर विंडोज 7 को लेकर। दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया है कि 14 जनवरी 2020 के बाद, लगभग अभी एक साल भी नहीं बचा है, 14 जनवरी 2020 के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के लिए कोई भी सपोर्ट और कोई भी अपडेट्स यहाँ पर रोल आउट नहीं करेगी। दोस्तों यदि आप अभी विंडोज 7 का यूज करते हैं तो अब समय आ गया है कि आप उसको अपग्रेड कीजिए, आप विंडोज 10 का यूज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगली अपडेट वो है यहाँ पर BSNL के न्यू प्लान को लेके। दोस्तों यहाँ पर BSNL लेके आया है 399 रुपए का प्लान, जिसमें आपको मिलेगा 3.21 GB का डेटा पर डे, वो भी पूरे 74 डेज के लिए। दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल धूम मची हुई है, जियो ने बिल्कुल तबाही ला के रख दी है। इसके बाद जियो, एयरटेल, लगभग सभी यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, भरपूर डेटा दे रहे हैं। और इसी के साथ BSNL अपना एक नया प्लान लेके आया। यदि आप BSNL यूजर हैं तो आप इस प्लान को जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट है वो यहाँ पर WhatsApp के फिंगरप्रिंट लॉक को लेके। दोस्तों यहाँ पर WhatsApp में एक नया अपडेट आने वाला है, जो कि है कि अब आप WhatsApp को जो है वो सिक्योर कर सकेंगे अपने मोबाइल पर लगे हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू। दोस्तों यहाँ पर आप वैसे थर्ड पार्टी एप्स की सहायता से अभी ये फीचर्स का यूज कर सकते हैं, मतलब WhatsApp को आप लॉक कर सकते हैं, बट अब ये प्री डिफॉल्ट वहाँ पर WhatsApp के साथ ही ये फीचर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यदि आपके वैसे लगभग आप ऑलमोस्ट ये फीचर्स एंड्रॉयड मार्शमेलो के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर के सब डिवाइस ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है वो यहाँ पर नोकिया 9 Pro के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसमें 5 सीरियल कैमरा दिए गए हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन पहले जनवरी 2019 में लॉन्च होने वाला था, पर दोस्तों इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। अब ये फरवरी 2019 में MWC 2019 में यहाँ पर लॉन्च होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि यहाँ पर 5G की रेस में दौड़ रहे हैं, अपने नए नए 5G स्मार्टफोन को मार्केट में उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेस में MI पीछे कैसे रह सकता है? दोस्तों MI ने भी यहाँ पर MI Mix 3 जो है उसका 5G वर्जन लॉन्च करेगा, और दोस्तों यह जो है लगभग ऑलमोस्ट फरवरी में लॉन्च हो जाएगा, और यह स्मार्टफोन Snapdragon 855 प्रोसेसर का बेस्ड होगा। बस दोस्तों देखना ही है कि इसका प्राइस क्या आता है, और सही प्राइस में रहेगा तो बस मजा आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है यहाँ पर Realme 2 Pro के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Realme 2 Pro का बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, यदि आपके पास Realme 2 Pro है तो अब आप इसका बूट लोडर अनलॉक करके अपनी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो रोम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट है वो यहाँ पर पेटीएम के फूड ऑर्डर को लेकर। दोस्तों यहाँ पर पेटीएम में मोबाइल रिचार्ज होता है और शॉपिंग तो होती ही है, और बहुत सारे ऑप्शन आपको मोबाइल में मिलते हैं। मोबाइल के फूड को कर सकते हो, बहुत सारे फ्लैट वगैरह सारी टीयर्स आपको कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ ही अब यहाँ पर एक नया फीचर आने वाला है कि अब आप पेटीएम के थ्रू यहाँ पर फूड ऑर्डर भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली पेटीएम ने जोमेटो के साथ जो है वो टाई अप किया है, और बस अब आप पेटीएम के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल ये फीचर जो है मतलब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, और साथ ही दिल्ली NCR के लिए ही अवेलेबल है। बहुत ही जल्द इसको सभी जगह के लिए शुरू कर दिया जाएगा, और iOS के लिए भी बहुत जल्दी आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर रिपब्लिक डे पर अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी शॉपिंग वेबसाइट अपनी कुछ सेल लेके आती है। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है रियलमी, वो भी अपनी एक सेल लेके आने वाली है जिसका नाम रहेगा यहाँ पर रियल पब्लिक सेल। तो दोस्तों इस सेल में यहाँ पर बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, कई सारे ऑफर्स मिलेंगे। यहाँ पे जो कुछ स्मार्टफोन है वो यहाँ पर रहेंगे Realme 2 Pro, Realme C1 और Realme U1, जिन पर कि आपको काफी सारे डिस्काउंट ऑफर और साथ ही बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आप Realme के स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप इस फ्लैश सेल के जरिए अपना स्मार्टफोन चुन सकते हैं। दोस्तों ये जो फ्लैश सेल है यहाँ पर 20 जनवरी से 30 जनवरी तक फ्लिपकार्ट और अमेजन की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ मोबाइल बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।